दोस्तों बॉलीवुड में अपने यूनिक डांसिंग और एक्टिंग से अपनी अलग पहचान बनाने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती, जिन्होंने कम समय में स्टारडम की ऊंचाइयों को छुआ जहां तक कोई भी अभिनेता नहीं पहुंच पाया, जिसके चलते उस दौर में इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि अगर वो किसी फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस भी दे देते थे तो फिल्म हिट हो जाया करती थी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, इसी स्टारडम के दम पर इन्होंने एक बार धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की इज्जत बचाई, जो उस समय इनके सीनियर हुआ करते थे। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। तो आज की इस वीडियो में इसके पीछे की कहानी हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा की इन्होंने इज्जत बचाई थी, ऐसा क्या मामला था। तो आप भी ये जानना चाहते हैं ना, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों दरअसल बात है 1990 की फिल्म हमसे ना टकराना की, जिसे दीपक बैरी निर्देशित कर रहे थे। इस फिल्म में इन्होंने धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा को लिया था और दोनों का ही करियर उस समय मंदी में चल रहा था, क्योंकि उस समय इंडस्ट्री में कई नए नए अभिनेताओं ने कदम रख दिया था जो दर्शकों के बीच लोकप्रिय हो रहे थे। और इसी वजह से इस फिल्म के निर्माताओं ने इस फिल्म को बीच में ही छोड़ने का मन बना लिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि ये दोनों फिल्म को हिट नहीं बना पाएंगे। उनकी बात सुनकर दीपक बैरी काफी परेशान हो गए और बार बार इसी बात को सोचने लगे कि अगर ये फिल्म छोड़ते हैं तो उन्हें काफी नुकसान होगा, और अगर इस फिल्म को पूरी करते हैं तो उसे कोई खरीदने वाला नहीं मिलेगा तो भी नुकसान होगा। अपने इस परेशानी की घड़ी में उन्हें याद आई अपने जिगरी दोस्त मिथुन चक्रवर्ती की, जिनके साथ उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। ये वही दौर था जब मिथुन सबसे सफल अभिनेता थे। यदि वो किसी फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस भी दे देते ना तो फिल्म हिट हो जाया करती थी, इसलिए दीपक बैरी ने इनके पास फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। उस समय उनके पास बहुत सारी फिल्में थी, वो काफी बिजी चल रहे थे, पर इन्हें तो अपने दोस्त की मदद करनी थी, इसलिए इन्होंने अपना सारा शेड्यूल चेक किया और जो भी डेट्स निकली उन्हें बैरी को सौंप दी। इस तरह इन्होंने इस फिल्म में काम किया और फिल्म बिना किसी रुकावट के पूरी हो गई। फिल्म पूरी होने के बाद जब बात आई फिल्म के प्रमोशन की, तो बैरी ने ये आइडिया लगाया कि इस फिल्म के प्रमोशन के लिए जितने भी पोस्टर बने उसमें ज्यादातर जगह मिथुन को ही दी जाए, ताकि लोगों को पता चले कि इस फिल्म में ये भी है। और बैरी का ऐसा करना उन्हें अच्छा साबित कर गया, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। इस तरह अपने स्टारडम के दम पर धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा की इज्जत बचा ली। इस फिल्म में मिथुन के छोटे से रोल ने शत्रुघ्न सिन्हा और धर्मेंद्र को काफी हिट साबित करा दिया। तब से लेकर आज तक धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा का नाम बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेताओं में शामिल किया जाता है। दोस्तों देखा आपने, हमारे मिथुन दा जो धर्मेंद्र शत्रुघ्न सिन्हा के जूनियर थे, पर वो उनसे ज्यादा काबिल थे कि कैसे इन्होंने इनकी इज्जत बचाई। सच में इनके जैसा अभिनेता आज तक कभी नहीं आया। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दो, और बॉलीवुड से जुड़ी मसालेदार बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर डालो।